हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो छोले हैं उनको कैसे लहसुन अदरक लहसुन के पेस्ट से फ्राई करना वो बता रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये छोले बनाना बता दिए थे, जिसमें मैंने व्रत के छोले बनाने बताए थे। अब इसमें हम जैसे अपने छोले एक्स्ट्रा बच जाते हैं, अब हम चाह रहे हैं इसको फिर सब्जी इसको हमें नहीं खाई जा रही, लेकिन हम इसको फिर से टेस्टी के रूप में बनाना चाहते हैं, तो हम इसको अब अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडक्शन पे बता रहे हैं, सिंपल गैस पे तो सब कर लेते हैं। इसके लिए बर्तन ले लिया हमने इंडक्शन का, और इस पर इंडक्शन ऑन करा है और इसको ओपन करा है, और इस पर टेम्परेचर रख लिया है 500 का। अब हम अपने मसालेदानी को ऑन कर लेंगे। इसमें हमने ये टमाटर और लाल मिर्च काट के रखे हैं, आप चाहे तो हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है 2 चम्मच के करीब। इसमें जितना आप अपना ऑयल हिसाब से करते हैं, कम खाते हैं तो कम डालिए और ज़्यादा है तो 4 चम्मच की करीब, तो 2 चम्मच सफिशेंट है। तो इसके बाद हम इसमें हम सब चीज़ डाल चुके हैं, बस हमें लहसुन अदरक लहसुन का डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारा ये हो रहा है, तो आप चाहें तो सबसे पहले आपका तेल गर्म होने दें। इसके बाद हम अपना इसमें आप डालना चाहे राई या जीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले छोले बनाने में सब कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने डाल रही हूँ ओनली अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये बाजार का रेडीमेड है, आप चाहे तो घर में अभी ताज़ा भी आ रही है, तो अदरक और लहसुन को छील के और उस पर मिक्सी के अंदर उसका पेस्ट बना लीजिए। उसमें आप अदरक लहसुन डालिए, टमाटर मिक्स करना चाहते टमाटर, नहीं तो सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाइए। इसमें हल्का थोड़ा सा डाला है, क्योंकि हम घर में थोड़ा ही पसंद है, इसलिए फिर थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन डाल दिया है। इसको हमने भूनने देंगे और इसको बंद करके रख देंगे। अब पर हमने इसमें टमाटर अलग से काटे हैं, इसमें हमने इसमें पेस्ट नहीं, क्योंकि हमारा बाजार का है तो इसमें हमें अलग से टमाटर ही होता है। घर पे चाहे तो आप एक साथ अदरक और लहसुन और टमाटर हरी मिर्ची एक से बना के मिला लीजिए, तो ये क्या है 2-4 दिन चल जाता है, लेकिन ये हमारा महीने भर से खराब नहीं होता, इसकी डेट एक्सपायर जब हो तब तक ही चलता है। हम थोड़ा सिम कर देंगे, जब तक हमारा अदरक लहसुन भून रहा है हम टमाटर भी डाल देंगे इसके बाद। अब टमाटर डाल के हमें उसको एक बार भून लेना है, इसका थोड़ा मैश हो जाए टमाटर। अब टेम्परेचर हमारा करना है 500 के करीब, थोड़ा तेज गर्म हो जाए। हमें क्या करना है, हल्दी नमक तो सब डाल गया, अब नमक हमारा इसमें थोड़ा कम था, हमने अपने उसके हिसाब से व्रत के हिसाब से डाला था, लेकिन अब हमें कम लग रहा है तो हम इसमें और ऐड करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा मिलाएंगे इसको। और इसके अंदर लाल मिर्च भी कम थी, हमने तो कम डाली थी इसमें, तो अपने हिसाब से 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। अब थोड़ा इसको मिलाएंगे, इसको करेंगे जिससे कि इसका ये तेल छूट जाएगा और इसमें ग्रेवी अच्छी बन जाएगी इसकी। अब इसमें धनिया वनिया सब हम चीज़ पहले डाल चुके हैं, बस हमारे ये छोले हैं जो उबले हुए हमारे बने हुए तैयार हैं। तो इसके लिए हमने आपने नहीं देखे तो पहले मेरे प्रीति गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको छोले की रेसिपी मिल जाएगी और साथ में व्रत में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं उसके बारे में भी मिल जाएगा। तो ये मैंने छोले इसमें रख दिए। अब ये देखिए ये छोले कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। इसका टेम्परेचर थोड़ा तेज कर लीजिए, ये देखिए मेरे बनके रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं आप इसमें जब बॉईल कर गरम कर लीजिए, जब चाहे और जब आपको इसमें सर्व करना हो तब उसके हिसाब से कर लीजिए। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और लहसुन प्याज का एकदम से नहीं रहा है और गरम 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 है। फिर आप अपने सर्विस बॉयल में इसको डाल के करिए, तो छोले के संग पूड़ी और भटूरे कुछ भी कर सकते हैं।